अकरेंस एंड एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस. हम लोग ग्रुप 5A में इससे पहले नाइट्रोजन का टॉपिक फिनिश कर चुके हैं. हमने देखा था ग्रुप 5A जो है इसमें जो सबसे टॉप पे जो एलिमेंट है दैट इज नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से नीचे फिर जो दूसरे नंबर पे एलिमेंट है दैट इज फॉस्फोरस. नाइट्रोजन में हमने पर्टिकुलरली नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में बात की थी एंड नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स वगैरह के बारे में काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने बात की है. आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंट्रोडक्टरी लेसन फॉस्फोरस के ऊपर. सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि फॉस्फोरस जो है वो नेचर में वो किस तरीके से अकर करता है और इसके क्या क्या एलोट्रॉप्स होते हैं फॉस्फोरस के. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि फॉस्फोरस जो है वो फ्री फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, फ्री फॉर्म के अंदर नहीं एग्जिस्ट करता, बल्कि ये कंबाइंड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है. आपने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा था कि नाइट्रोजन जो है वो फ्री फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर लेती है. फॉर एग्जांपल इन एयर आपको N2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ठीक है, और एयर ऑलमोस्ट 71% जो है वो नाइट्रोजन है. बट जो फॉस्फोरस है ये फ्री फॉर्म के अंदर एयर के अंदर नहीं पाया जाता, बल्कि ये रॉक्स के अंदर पाया जाता है. और ये किस किस्म की रॉक्स होती हैं? नॉर्मली ये कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 होल ट्वाइस, या इसके अलावा एपेटाइट्स होते हैं जिनमें हमारे पास Ca5FPO4 होल थ्राइस है. बेसिकली इस तरह के पूरे जो सेट ऑफ कंपाउंड्स हैं ना इनको हम एपेटाइट्स कहते हैं. ये सिंपली ये एक कंपाउंड एपेटाइट नहीं है, इसके अलावा भी एपेटाइट्स होते हैं. मसलन ये जो मैंने लिखा है दिस इज कॉल्ड फ्लोरो एपेटाइट. सिमिलरली एक और कंपाउंड है Ca5ClPO4 होल थ्राइस जिसको हम बोलते हैं क्लोरोएपेटाइट, एंड इसी तरह Ca5BrPO4 होल थ्राइस जिसको हम बोलते हैं ब्रोमोएपेटाइट, ठीक है. इसी तरह हाइड्रोक्सिल एपेटाइट भी होता है जिसमें OH ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होता है, Ca5OH एंड देन PO4 होल थ्राइस. इन तमाम कंपाउंड्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखो, कैल्शियम पे पॉजिटिव 2 चार्ज होता है, 5 कैल्शियम्स के ऊपर पॉजिटिव 10 चार्ज आ गया, ठीक है, एक फ्लोरीन के ऊपर -1 और एक फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर 3 दफ़ा माइनस होता है, और 3 मिलके -3 विल बिकम -9, तो नेट चार्ज इज 0, ठीक है. सो इस तरीके से आप देख सकते हो कि वैसे अगर 5 कैल्शियम्स हैं तो +10 पॉजिटिव चार्ज इनका हो गया. जो 3 फॉस्फेट्स आयन साथ लगे हुए हैं ये -9 चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं, और बाकी एक -1 जो है वो साथ कोई भी एक नेगेटिव ग्रुप अटैच्ड होता है. और ये सारे एपेटाइट मिनरल्स होते हैं जो कि बेसिकली फॉस्फेट्स हैं. तो इन फॉर्म्स के अंदर नॉर्मली कंबाइंड फॉर्म के अंदर फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है. आज की जो मेजर डिस्कशन है दैट इज गोइंग टू बी ऑन एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि एलोट्रॉप्स हम किन चीज़ों को बोलते हैं. एलोट्रॉप्स कोई भी एक एलिमेंट होता है उसकी मुख्तलिफ फिज़िकल फॉर्म्स को कहते हैं, डिफरेंट फिज़िकल फॉर्म्स जिनके अंदर वो एग्जिस्ट कर सकता है. ये केमिकली एक ही चीज़ होती है. मसलन अगर आप कार्बन की बात करो तो कार्बन जो है वो डायमंड भी कार्बन ही को कहते हैं, और कोल भी कार्बन ही को कहते हैं, और ग्रेफाइट भी कार्बन ही को कहते हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं जिनके अंदर कार्बन एग्जिस्ट करता है. ये मुख्तलिफ फॉर्म्स जो हैं ये आपस में फिज़िकली डिफरेंट हैं, ठीक है, फिज़िकली डिफरेंट हैं लेकिन केमिकली ये एक ही चीज़ है. तो ऐसे मुख्तलिफ फॉर्म्स को हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं. फॉस्फोरस जो है जनरली 5 किस्म के एलोट्रॉप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिनमें से हम प्राइमरीली 3 डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्लासिफाई फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स. जो इसका सबसे मेजर एलोट्रॉप है, जो सबसे बेसिक एलोट्रॉप है, उसको हम बोलते हैं वाइट फॉस्फोरस, वाइट या येलो फॉस्फोरस. इसके अलावा एक और इसका एलोट्रॉप है जिसको हम बोलते हैं रेड फॉस्फोरस. इसके अलावा एक तीसरा एलोट्रॉप है जिसको हम बोलते हैं ब्लैक फॉस्फोरस, एंड चौथा है जिसको हम बोलते हैं वायलेट फॉस्फोरस, एंड फाइनली वी हैव डाइफॉस्फोरस. तो प्राइमरीली इसके 5 एलोट्रॉप्स हैं.
हमारे पास वाइट या येलो फास्फोरस. इसको वाइट या येलो फास्फोरस क्यों कहते हैं? बिकॉज ये एक्चुअली इसका कलर जो होता है कुछ इस कलर इसका इस किस्म का शेड होता है, जिससे मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ अभी. येलोइश और वाइटिश सा इसका शेड होता है, इस वजह से हम इसको वाइट या येलो फास्फोरस कहते हैं. अगेन अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वाइट एंड येलो फास्फोरस की? वाइट या येलो फास्फोरस जो है, सबसे पहला वाला जो हमने एलोट्रॉप देखा था, ये जो है ये वैक्सी होता है. वैक्सी मतलब ये बिल्कुल एक जैसे वेजलीन होती है ना, उस फॉर्म के अंदर होता है. ट्रांसलूसेंट होता है, यानी प्योरली ना तो ये ट्रांसपेरेंट होता है और ना ओपेक होता है, ट्रांसलूसेंट सा होता है. ट्रांसलूसेंट का मतलब है इसके अंदर से कुछ लाइट पास होती है और कुछ नहीं होती. अगर आप इसको लाइट के अंदर देखोगे तो ये आपको येलो कलर का नज़र आएगा, ठीक है. और अगर आप इसको डार्क में देखोगे, डार्क में अगर मैं इसको देखूं, अंधेरे के अंदर आप इसको देखो, तो इसका कलर फिर वो नहीं रहता बल्कि इसका ग्रीनिश सा शेड आ जाता है. ये आप देख रहे हो जिस कलर से मैं इसको लिख रहा हूँ, एग्जैक्टली इसका ये कलर हो जाता है. तो ये दो मुख्तलिफ शेड्स देखता है अगर आप इसको लाइट या डार्क के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हो. इसका जो स्मेल है, दैट इज गार्लिक लाइक स्मेल, जो लहसुन की स्मेल होती है बिल्कुल उस तरह इसकी स्मेल होती है. और रूम टेम्परेचर के ऊपर आपको ये सॉलिड फॉर्म के अंदर मिलेगा, सॉलिड और वैक्स की फॉर्म में, लिक्विड सॉलिड टाइप चीज़ होती है ये. उसके अलावा ये कि ये पायरोफोरिक कंपाउंड है. पायरोफोरिक ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं जो खुद ब खुद जिनको आग लग जाती है, इनको हम सेल्फ इग्नाइटिंग कंपाउंड्स भी बोलते हैं. यानी अगर आप इसको एयर के अंदर रख दोगे ना, तो इसको ऑटोमेटिकली खुद ही आग लग जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है. इस प्रोसेस को हम लोग स्पॉन्टेनियस कंबशन भी बोलते हैं, जो कि एक बेसिकली ख़तरनाक चीज़ है. यही वजह है कि जो येलो फास्फोरस है ये एक्सप्लोजिव्स के अंदर यूज़ होता है. एक्सप्लोजिव्स के अंदर, फायरवर्क्स वगैरह के अंदर कॉमनली ये यूज़ होता है, ठीक है. इसके अलावा इसके बारे में आपको एक बात बताऊं कि ये टॉक्सिक है. टॉक्सिक आप समझते हो किसे कहते हैं? जो ख़तरनाक होता है, पॉइजनस. यानी अगर ह्यूमन बॉडी अगर थोड़ा सा भी अगर इसको इसके कुछ मॉलिक्यूल्स भी अगर आपके जिस्म में अगर चले जाएं, नॉर्मली आप सांस लेते हो तो आपके उसमें लंग्स में चला जाता है ये, तो इससे क्या होता है कि आपका लिवर डैमेज हो जाता है. लिवर जिसे हम जिगर बोलते हैं, वो जिगर की बीमारियां होती हैं इससे. और एक इससे बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसको हम फॉसी जॉ कहते हैं. फॉसी जॉ, आप में से जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो प्रोबली इसके बारे में जानते होंगे. फॉसी जॉ ये एक ऐसी अजीबोगरीब सी बीमारी है, जो आपके जॉज होते हैं ना, जबड़े होते हैं, ये आपके मुंह की एक कैंसर नुमा आपकी एक बीमारी हो जाती है जो बहुत ही ख़तरनाक है, और इसका कोई क्योर भी नहीं है सच, ठीक है. सो और ये कितना फास्फोरस की हम बात करें, सिर्फ 0.1 ग्राम अगर आप फास्फोरस आपके बॉडी के अंदर चला जाए तो एक ह्यूमन बीइंग की डेथ हो जाती है, ठीक है. सो यू मस्ट नाउ अंडरस्टैंड कि ये जो फास्फोरस है बहुत ही पॉइजनस एलिमेंट है. अगर आपकी बॉडी के अंदर सिर्फ 0.1 ग्राम, जो कि एक चुटकी से भी बहुत ही मामूली से, यानी कुछ ज़र्रात अगर आपके जिस्म में चले जाएं, तो एक ह्यूमन बीइंग की डेथ हो जाती है, ठीक है. इसके अलावा आपको कुछ इसके बारे में पॉइंट्स बताता हूँ. येलो या जो वाइट फास्फोरस है, ये वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल इन वाटर. लेकिन अगर आप इसको कैल्शियम सल्फाइड, सॉरी कार्बन सल्फाइड या CS2 के अंदर अगर डिसॉल्व करें तो ये उसमें सॉल्यूबल है, ठीक हो गया. एंड फाइनली इसकी ये प्रॉपर्टी है कि अगर आप वाइट फास्फोरस जो है, वाइट फास्फोरस को हम नॉर्मली P4 लिखते हैं. इसको क्यों P4 लिखते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ. आप P4 को अगर आप बर्न करो या आप इसका टेम्परेचर रेज कर दो, हीट अप करो आप इसको 1000 डिग्रीज पे, आप अगर इसको आप ले जाओ तो क्या होता है कि फास्फोरस P2 के अंदर चेंज हो जाता है. अब आपको याद होगा यहाँ पे ऊपर मैंने जब आपको इन सब के नाम बताए थे तो मैंने बताया था कि जो वाइट फास्फोरस है इट इज P4 उस वक्त, बल्कि नहीं बताया था, मैं भी बता रहा हूँ. और जो डाइफॉस्फोरस है इट इज P2. सो अगर आप वाइट फास्फोरस को हीट अप करो 1000 डिग्री सेल्सियस तक ले जाओ तो ये डाइफॉस्फोरस में चेंज हो जाता है, ठीक है. और अगर आप फर्दर टेम्परेचर बढ़ाते जाओ और आप 1600 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ले जाओ तो व्हाट हैपेंस इज कि ये P2 जो है ये एटॉमिक फास्फोरस के अंदर आ जाता है. एटॉमिक फास्फोरस बेसिकली आप कह सकते हो एक तरह से कि दिट इज अ सिक्स्थ एलोट्रॉप एटॉमिक फास्फोरस,
नॉर्मली इसको हम एलोट्रॉप नहीं बोलते होते, क्योंकि ये तो हर एलिमेंट का होता ही है ना, आप उसको एटॉमिक फॉर्म में ला सकते हो, ठीक है। तो आप एटॉमिक स्टेट के अंदर भी इसको ले आते हो जब बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर रेज हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज देन कॉल्ड एटॉमिक फॉस्फोरस। सो आई विल रिपीट इन अ शॉर्ट वाइल के जो वाइट फॉस्फोरस या येलो फॉस्फोरस है इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ये वैक्सी होता है, ठीक है, ट्रांसलूसेंट होता है, और आप इसको नाइफ से कट कर सकते हो। ये थोड़ा अगर आप इसको नाइफ लो ना, छुरी से आप इसको काटो तो ये बड़े आराम से कट जाता है, बड़ा सॉफ्ट सा ये होता है। वैक्सी से आपको पता तो चल रहा होगा, ये थोड़ा नरम नरम सा होता, सॉलिड है लेकिन लिक्विड सॉलिड सा, इस तरह का जैसे सोप होता है ना, उस तरह की चीज़ होती है ये। एक्सप्लोजिव्स में ये यूज़ होता है, फायरवर्क्स में, ठीक है। लाइट के अंदर आप देखोगे तो ये आपको येलो कलर का नज़र आएगा, और अगर आप डार्क के अंदर देखोगे तो आपको ग्रीनिश शेड नज़र आएगा इसका। गार्लिक स्मेल होती है इसकी, पायरोफोरिक होता है, ऑटोमेटिकली इसको आग लग जाती है अगर आप इसको एयर के अंदर रख दो, ठीक है। पॉइजनस होता है, बहुत ही थोड़ी सी इसकी अमाउंट आप ले लो तो आपको लिवर डैमेज हो सकता है और आपकी डेथ भी हो सकती है। और ये पानी के अंदर इनसॉल्यूबल है, कैल्शियम सल्फाइड के अंदर, कार्बन सल्फाइड के अंदर ये सॉल्यूबल है। इसके अलावा अगर आप इसको 1000 डिग्री सेल्सियस तक हीट करो तो ये डाइफॉस्फोरस में चेंज हो जाता है, एंड एट इवन हायर टेम्परेचर ये मोनोफॉस्फोरस में चेंज हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो ये कुछ इस तरह का होता है। आपने टेट्राहेड्रॉन देखा हुआ है ना, तो एक टेट्राहेड्रॉन होता है जिसकी चारों साइडों के ऊपर एक एक फॉस्फोरस लगा हुआ होता है। ये बिल्कुल जैसा आपने कार्बन का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना जो डायमंड के अंदर होता है, कार्बन का जो डायमंड के अंदर स्ट्रक्चर होता है फॉस्फोरस का, एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर होता है। इस फिगर में आप देखो, आपको बिल्कुल नज़र आ रहा है एक टेट्राहेड्रॉन बना हुआ है, ठीक है, टेट्राहेड्रॉन है, इसलिए हम इसको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। टेट्राहेड्रॉन के चारों कॉर्नर्स के ऊपर एक फॉस्फोरस लगा हुआ है। इनकी टेट्राहेड्रॉन एक ऐसी शेप होती है जिसमें हर लेंथ इक्वल होती है, ये जितनी लाइंस हैं ये सब इक्वल लेंथ की हैं, ठीक है। एक पैरामिडल टाइप शेप है, लेकिन पैरामिड की थोड़ी सी डिफरेंट डेफिनेशन है। पैरामिड नीचे स्क्वायर बेस होता है, ये स्क्वायर बेस नहीं है, ये ट्राइंगुलर बेस है, और हर साइड पर ट्राइंगल्स हैं, चार ट्राइंगुलर फेसेज आपस में अटैच्ड हैं। इसके अलावा इससे जो नेक्स्ट आपका एलोट्रॉपिक फॉर्म थी, सबसे इंपॉर्टेंट बेसिकली ये व्हाइट फॉस्फोरस ही है, इसमें हमने ज्यादा टाइम लगा लिया। सेकंड जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है दैट इज रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रेड फॉस्फोरस जो है इसका स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा होता है, ये जो आप इमेज देख रहे हो इसका स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इस किस्म का होता है। इसमें आपके पास ये जो टेट्राहेड्रॉन्स थे ना, इसमें ढेर सारे टेट्राहेड्रॉन्स जो हैं वो इस तरीके से आपस में चेन्स बनाई हुई होती हैं, और ये इसकी पहली प्रॉपर्टी होगी कि इट इज एग्जिस्ट्स इन लीनियर चेन्स, ठीक है। ये चेन्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जो कि लीनियर होती हैं। इसके अलावा ये कि अगर आपने इसको प्रिपेयर करना है तो प्रिपरेशन का इसका जो मेथड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप वाइट फॉस्फोरस लो, या जिसको हम P4 कहते हैं सिंपली, वाइट फॉस्फोरस आप लो और उसको आप हीट करो 540 केल्विन तक। 540 केल्विन कितना सेल्सियस होगा, आप सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो, 540 -273 या ऑलमोस्ट 300, तो इट इज़ ऑलमोस्ट 260 डिग्री सेल्सियस के करीब। तो इस टेम्परेचर के ऊपर आपने इनर्ट कंडीशंस रखनी है। इनर्ट कंडीशंस का मतलब है कि आपने कोई कंपाउंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉस्फोरस उसके साथ फिर रिएक्ट कर जाएगा कोई एलिमेंट अगर हुआ तो। इनर्ट कंडीशंस के ऊपर आप रिएक्शन करवाओ तो P4 जो है वो वाइट फॉस्फोरस से चेंज होके, या वाइट या येलो फॉस्फोरस जो होता है, वाइट या येलो फॉस्फोरस, ये कन्वर्ट हो जाता है रेड फॉस्फोरस के अंदर, ठीक है। अगेन इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, पीछे आपने पढ़ा था कि जो वाइट फॉस्फोरस था वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन CH2 के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन जो रेड फॉस्फोरस है ये इन दोनों के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है, इट इज इनसॉल्यूबल इन बोथ वाटर एंड कार्बन डाइसल्फाइड। इसके अलावा इनकी लीनियर चेन्स होती हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। रेड फॉस्फोरस इज लेसर रिएक्टिव। आपने पढ़ा था येलो फॉस्फोरस के बारे में कि इट इज हाईली रिएक्टिव, और ऑटोमेटिकली इसका रिएक्शन होने लग जाता है विद एयर और ये इग्नाइट हो जाता है, इट इज अ पायरोफोरिक कंपाउंड। लेकिन जो रेड फॉस्फोरस है ये पायरोफोरिक कंपाउंड नहीं है, अलबत्ता रिएक्टिव ये फिर भी है। रेड फॉस्फोरस येलो फॉस्फोरस से कम रिएक्टिव है, लेकिन फिर भी ये किसी हद तक रिएक्टिव तो है। तो हम इसको किस तरीके से कारामद, इसको किस तरीके से काम में लेके आते हैं, मैच स्टिक्स के अंदर आपने
मैचस्टिक्स देखी हुई हैं, हर घर में हर किसी ने यूज़ की हुई हैं। ये जो हर माचिस की तीले के ऊपर एक रेड से कलर का या किसी ब्लू कलर की कोई चीज़ लगी हुई होती है, आपने अक्सर देखी होगी, ये एक्चुअली रेड फॉस्फोरस होता है। ये रेड फॉस्फोरस होता है और इसको आप हल्का सा अगर रब करो किसी सल्फर या इस तरह की चीज़ के साथ, तो व्हाट हैपेंस इज़ कि ये इग्नाइट हो जाता है और इसको आग लग जाती है। इसी वजह से हम माचिस की तीले में इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये अगर तो हम लोग येलो फॉस्फोरस को इस्तेमाल कर देना माचिस की तीली में, तो फिर तो आपको रब करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो वैसे ही आग लग जाएगी उसको, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है, कंट्रोलेबल होता है इसको इग्नाइट करना, तो इसलिए हम लोग रेड फॉस्फोरस को इग्नाइट करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास फॉस्फोरस का एलोट्रॉप है, दैट इज़ ब्लैक फॉस्फोरस, जिसके बारे में हम बात करेंगे। जो बाकी दो हैं वो आपके कोर्स कॉन्टेंट में शामिल नहीं है। ब्लैक फॉस्फोरस जो है, डेफिनेटली आई कैन नॉट राइट इन ब्लैक, क्योंकि ब्लैक फिर आपको नज़र नहीं आएगा, मैं इसको ग्रे से लिखने लगूँ। ब्लैक फॉस्फोरस इज बेसिकली अ पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। इसमें ये पॉलीमर्स की फॉर्म के, पॉलीमर्स क्या होते हैं, लॉन्ग चेन्स होती हैं। लेकिन आपने ऊपर भी पढ़ा है कि जो आपके रेड फॉस्फोरस था वो भी चेन्स ही की फॉर्म में था, इस तरह की मुख्तलिफ टेट्राहेड्रन्स आपस में एक चेन की फॉर्म में जुड़े हुए थे। लेकिन जो इसकी लॉन्ग चेन्स हैं ये डिफरेंट हैं। ये चेन उसकी लीनियर चेन थी ना रेड फॉस्फोरस की, इसकी लीनियर नहीं होती बल्कि पूरी एक प्लेनर चेन होती है, ठीक है। किस किस्म की होती है मैं आपको दिखाता हूँ। इस फिगर में आप देखो, ये एक पूरी एक शीट है बेसिकली, या एक प्लेन है जो कि पूरे फॉस्फोरस के एटम से पूरा बना हुआ है। आपने ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर अगर देखा हुआ है ना, तो ये बिल्कुल ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की तरह होता है, ठीक है। जिस तरह ग्रेफाइट की एक पूरी लेयर होती है और दो लेयर्स के दरमियान फिर एटम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही एक पूरी अगर आप लेयर अलग कर दो तो वो जो एक लेयर है वो ब्लैक फॉस्फोरस कहलाता है, ठीक है। ब्लैक फॉस्फोरस को अगर आपने प्रिपेयर करना है तो इसको प्रिपेयर करने का तरीका ये है कि आप वाइट फॉस्फोरस लो, या जो P4 था, या जिसको हम येलो फॉस्फोरस भी कहते हैं, P4 को आप हीट करो। कितने टेम्परेचर पे? 470 केल्विन पे। 470 केल्विन, अब ऊपर टेम्परेचर देखो, जो रेड फॉस्फोरस का टेम्परेचर था वो 540 केल्विन था, यानी उसको आपने ज़्यादा हाई टेम्परेचर तक लेके जाना था। इसको आपने इतना हाई टेम्परेचर नहीं रखना, ठीक है। कंडीशंस इसमें भी इनर्ट होनी चाहिए, इसमें भी आपने कोई रिएक्टिव मेटल या इस तरह की चीज़ साथ रिएक्ट नहीं करवानी। अलबत्ता इसके अंदर एक तीसरी चीज़ का आपने ख्याल रखना है, इसके अंदर आपने टेम्परेचर के अलावा प्रेशर भी रेज करना है, और प्रेशर आपको इसमें 1200 ATM तक रेज करना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है, आपको पता है 1 ATM जो होता है, 1 एटमोसफियर जो है, इट इज़ इक्वल टू 101325 N/m² या पास्कल्स, ठीक है। यह इतना ज़्यादा जो है, यानी एक वक्त पे पूरी दुनिया का मिला के किसी एक पॉइंट के ऊपर या एक स्क्वायर मीटर के ऊपर जो प्रेशर या फोर्स लग रही होती है वो इतनी होती है, वो ये सिर्फ एक ATM होती है। आपने 1200 टाइम्स दिस नंबर इतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना, ठीक है। इतने ज़्यादा इंटेंस कंडीशंस के ऊपर जब आप उसको हीट करते हो तो क्या होता है कि वो पूरी शीट्स या फॉर्म्स, शीट्स की फॉर्म में एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? ब्लैक फॉस्फोरस जो होता है इसका मेटेलिक लस्टर होता है, जिस तरह मेटल्स चमकते हैं थोड़ा सा उनके ऊपर शाइन होती है, इस तरीके से इस मेटेलिक लस्टर होता है इसके ऊपर, ठीक है। और ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये कि इट इज़ इनएक्टिव, इट इज़ मोस्ट इनएक्टिव। जो अभी तक आपने तीन फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स देखे, सबसे ज़्यादा जो एक्टिव था दैट वॉज वाइट फॉस्फोरस, सेकेंड नंबर पर रेड, और मोस्ट इनएक्टिव तीसरे नंबर पर जो एक्टिव है, या आप इसको कह लो इट इज़ वेरी स्टेबल, वो थोड़े अनस्टेबल थे, वो फौरन बर्न हो जाते थे, बट इट इज़ वेरी स्टेबल, ठीक है, और ये रिएक्ट नहीं करता इजीली। और इसका जो स्ट्रक्चर है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ग्रेफाइट की किस्म का होता है और एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक हो गया। इसके अलावा यू हैव द फाइनल वन विच इज़ आइदर वायलेट फॉस्फोरस, वो आपके डेफिनेटली कोर्स में शामिल नहीं है, हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। जो आपके पास जो उसके अलावा है डायफॉस्फोरस, इट इज P, P, P ट्रिपल बॉन्ड P। डायफॉस्फोरस इज बेसिकली अ गैसियस फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। गैसियस स्टेट के अंदर जब आप वाइट फॉस्फोरस को हीट करते हो ना, मैंने आपको बताया था कि वाइट फॉस्फोरस को अगर आप 1000 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दो तो बेसिकली P2 के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। तो वाइट फॉस्फोरस से गैसियस स्टेट में जब आप जाते हो तो डायफॉस्फोरस में आप चले जाते हो, ठीक है। सो दिस इज अनदर फॉस्फोरस का एलोट्रोप।
ये एक इमेज है जिसके अंदर आप बेसिकली जो चार सॉलिड फॉर्म्स हैं फॉस्फोरस की आप देख सकते हो। सबसे लेफ्ट साइड पे आपके पास येलो फॉस्फोरस है, येलो फॉस्फोरस या वाइट फॉस्फोरस हम जिसको बोलते हैं, या P4 जो सिंपली इस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर चार फॉस्फोरस जो हैं वो आपस में टेट्राहेड्रल शेप में अटैच्ड होते हैं। सेकेंड नंबर पर जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वायलेट फॉस्फोरस। वायलेट फॉस्फोरस के बारे में हमने ज़्यादा डिटेल में आज बात नहीं की। जो थर्ड नंबर पर नज़र आ रहा है दिस इज़ रेड फॉस्फोरस, ठीक है, ये नॉर्मली वो है जो माचिस की थीली पे लगा होता है। और जो चौथे नंबर पे आपको नजर आ रहा है दिस इज ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है, जो नॉर्मली पॉलीमर्स की फॉर्म में होता है और आप देख सकते हो इसके ऊपर आपको हल्का सा शाइन नजर आ रहा है, तो ये मेटेलिक लस्टर होता है इसके ऊपर। दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फॉस्फोरस के मुख्तलिफ, स्टार्ट में हम लोगों ने अकरेंस देखी फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस नॉर्मली कंबाइंड स्टेट में मिनरल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके मिनरल्स में नॉर्मली कैल्शियम फॉस्फेट इंपॉर्टेंट मिनरल है। इसके अलावा मुख्तलिफ एपेटाइट्स हैं जिनमें हमने फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो एंड हाइड्रोक्सिल एपेटाइट के बारे में बात की थी। इसके बाद हमने ये बात की कि एलोट्रॉप्स होते क्या हैं और फॉस्फोरस के कौन कौन से बेसिक एलोट्रॉप्स हैं। इनमें जो प्राइमरी एलोट्रॉप्स हैं उनमें वाइट फॉस्फोरस या येलो फॉस्फोरस जिसको बोलते हैं वो है। सेकेंड नंबर पे हमने देखा रेड फॉस्फोरस एंड देन ब्लैक फॉस्फोरस। इन तीन के बारे में हमने डिटेल के अंदर बात की है। वाइट फॉस्फोरस या येलो फॉस्फोरस इज़ बेसिकली वैक्सी या ट्रांसल्यूसेंट कंपाउंड, या इसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ भी हमने डिस्कस की। इसके अलावा हमने देखा कि वाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये टेट्राहेड्रॉन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिर हम देखा कि रेड फॉस्फोरस का जो स्ट्रक्चर है वो वाइट फॉस्फोरस से किस तरीके से डिफरेंट है, और रेड फॉस्फोरस की बाकी प्रॉपर्टीज भी। इसके अलावा ब्लैक फॉस्फोरस के बारे में हमने बात की कि नॉर्मली लीनियर चेंज इसकी नहीं होती बल्कि इसकी प्लेनर या शीट की फॉर्म में ये इसका स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल जैसा ग्रेफाइट का एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से ब्लैक फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर होता है। इसी वजह से हम इसको पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको प्रिपेयर करने का तरीका हम लोगों ने डिस्कस किया। एंड फाइनली हमने देखा कि जो डाइफॉस्फोरस है या जो गैसियस स्टेट के अंदर फॉस्फोरस P2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फॉस्फोरस के कंपाउंड्स स्टार्ट करेंगे। फॉस्फोरस के कंपाउंड्स में सबसे बेसिक जो हम लोगों ने सबसे स्टार्ट करना है कंपाउंड्स, ये हैं इसके हेलाइड्स। बाय हेलाइड्स हम लोग पर्टिकुलरली जो बात करेंगे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के बारे में इन द नेक्स्ट लेक्चर।